गडरवारा के शनिदेव मंदिर के पास ऑडिटोरियम में विवेकानंद वार्ड की महिलाओं ने मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो फॉर्म स्वीकृत किए, स्वीकृत फॉर्म महिलाओं को वितरित किए गए। विवेकानंद वार्ड की पार्षद आरती कमलेश विश्वकर्मा के द्वारा लगभग वार्ड की सभी महिलाओं के फॉर्म लाडली बहना योजना में भरे गए थे, जो की स्वीकृत हुए। सभी के खाते में 1,000 रूपए 10 तारीख को आ जाएंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, पूर्व विधायक साधना स्थापक, भाजपा नेता गौतम सिंह पटेल, बसंती पालीवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रीतेश राय और अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाडली लक्ष्मी योजना में आए महिलाएं बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को लेकर भाजपा कार्य कर रही है, अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के जो फार्म भराए गए थे वो स्वीकृत हो गए हैं, सभी को 1,000 रुपये उनके खाते में आने वाला है, कैसी क्या योजना है ये? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच पर चलने वाली पार्टी है, अंतिम छोर के व्यक्ति को जब तक मजबूत ना करते हैं, ऐसी सोच लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं और उन योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कर रही है। लाडली बहनों के खाते में 10 जून को 1,000 रुपया उनके खाते में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री जी ने बेटी बेटा सभी के लिए, किसानों के लिए सबकी चिंता की, अब उनको लगा कि हमारी बहनों की चिंता करना है, उनके छोटे काम जो हैं उस राशि से हो जाएं, इसलिए लाडली बहनाओं को उन्होंने 1,000 रुपये देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी फार्म भराए जा रहे हैं 1,500 रुपये और अन्य प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप खुद कह रहे हैं अन्य प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो प्रलोभन ही है ये। क्या है कि शिवराज सिंह चौहान एक जीनियस स्टूडेंट हैं जिनके 95% आते हैं और एक पीछे बैठ के नकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह शिवराज जी ने चालू की, उन्होंने थोड़ी सी राशि बढ़ा दी, संबल योजना बंद कर दी, किसानों से झूठे वादे किए, 2,00,000 रुपए का कर्जा माफ़। सम्मानी राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन में पूरे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, हो गया क्या? 1,500 रुपये का आप फार्म भर रहे हो, क्या प्रमाणिकता है आपकी? दे देंगे क्या? 500 रुपये का गैस कनेक्शन, क्या है ये? चुनाव का समय है, जनता बहुत समझदार है, किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। हम चुनाव के पहले देने का काम कर रहे हैं, तुम वोट उस आधार पे मांग रहे, फर्क जनता समझती है। सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है, फार्म स्वीकृत हो गए हैं, 1,000 रुपये उनके खाते में आने वाला है, क्या कहेंगे आप भाजपा के नेता? मैं हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे दीनदयाल जी की सोच को, जिन्होंने कहा था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमें लाभ पहुँचाना है, उनके सपने को आज साकार कर दिया है। हमारी तमाम बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेज के उन्होंने हमारी महिलाओं को मजबूत बनाया है और तमाम योजनाएं हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। लाडली बहना है तो पीएम आवास योजना है, सुलभ शौचालय है, जननी सुरक्षा योजना है, संबल योजना, आयुष्मान, तमाम योजनाओं का हमारे सभी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को बहुत बहुत लाभ मिल रहा है और हमारा पूरा प्रदेश बहुत खुश है। शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि राशि भी स्वीकृत हो गई है, सभी माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपये आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप भाजपा नेता गौतम जी का? माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। पिछले महीनों घोषणा हुई थी कि 1,000 रुपये महीने अभी लाडली लक्ष्मी योजना थी, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी संतुष्ट नहीं हुए थे और उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की। हर बहन के खाते में 1,000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार करेगी और अगले 2 दिन में 10 तारीख से हर बहन के खाते में 1,000 रुपये महीने आना शुरू हो जाएंगे। 12 महीने में 12,000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।